तो दोस्तों, अभी हाल ही में बांग्लादेश में मौजूद चाइना के राजदूत ने भारत की काफी तारीफ की है। उन्होंने कहा था कि मैं भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा फैन हूं। उन्होंने इशारों में हू सी के उन विचारों की याद दिला दी जो उन्होंने भारत के बारे में कही थी। हू सी अमेरिका में चाइनीज एम्बेसडर थे। उन्होंने कहा था कि भारत ने 20 शताब्दियों तक चाइना की संस्कृति को जीता और डोमिनेट किया था, वो भी एक भी सैनिक भेजे बिना। और दोस्तों, उनकी यह बात पूरी तरह से सच है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का प्रभाव चीन पर फर्स्ट सेंचुरी से ही शुरू हो गया था, जब बौद्ध धर्म के साथ भारतीय ज्ञान चाइना तक पहुंचा था। बौद्ध धर्म भारत से होते हुए ही साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया तक पहुंचा था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत और चाइना के संबंधों के इतिहास पर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। मेरा नाम है विकास, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म जब चीन में फैला था, उससे पहले कन्फ्यूजनिज्म और ताओनिज्म दो प्रमुख वैचारिक धर्म थे। पहले इनके बारे में जानना जरूरी है। कन्फ्यूजनिज्म एंशियंट चाइना में लोगों के जीवन का एक तरीका था। कन्फ्यूशियस की शुरुआत चाइना में 5th BC के आसपास मानी जाती है, जिस समय भारत में बौद्ध और जैन धर्म के विचार फैल रहे थे। इसी समय चीन में एक महात्मा का जन्म हुआ जिनका नाम कन्फ्यूशियस था। उस समय चाइना में ज़ाओ डायनेस्टी का राज था, जिसकी ताकत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, जिसके कारण बाकी ताकतें चीन में खड़ी हो गई, जो आपस में लड़ने लगी। ऐसे समय में चीन के आम लोग परेशान थे। इसी समय कन्फ्यूशियस ने लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। दोस्तों, यहाँ दूसरा धर्म था ताओ धर्म, जो कन्फ्यूशियस के बाद विकसित हुआ, जो कन्फ्यूशनिज्म के विपरीत था। ताओवाद में ब्रह्मांड की प्रकृति और जीवन के अध्यात्म तत्वों को दिखाया गया है। जहाँ कन्फ्यूशनिज्म में नैतिकता, सरकार और समाज की बात होती है, तो ताओवाद में अध्यात्म की। खैर, दोनों ही धर्मों के अंतर के बारे में हम और कभी बात करेंगे। अब बात करते हैं चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार की। दोस्तों, भारत और चीन के संबंध प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। चाइना के थिंक टैंकर हू सी ने कहा था कि एशिया को दो महान संस्कृति डोमिनेट करती है और दोनों ही संस्कृतियों के बीच हिमालय नाम की एक लाइन है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि भारत और चीन के संबंध प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, कुछ स्रोतों का दावा है कि सिंधु घाटी के नक्काशीदार कैरोलिन मोती चीन की खुदाई के दौरान पाए गए थे। जैसा कि हम जानते ही हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता और प्राचीन चीनी सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। कुल मिलाकर तथ्य यह है कि बौद्ध धर्म से पहले ही भारत चाइना के संबंध रहे हैं। महान मौर्य एम्पायर के समय आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में चीनी रेशम को सिनामशुका और सिनापट्टा के रूप में लिखा है। दोस्तों, चीन और भारत के संबंधों का रिकॉर्ड 2nd BC के आसपास पहली बार लिखा गया था, जब ज़ाओ क्यांग ने सेंट्रल एशिया का दौरा किया था। बौद्ध धर्म 1st सेंचुरी में भारत से बाहर चीन में फैलना शुरू हुआ था और चीन से ही आगे कोरिया से लेकर जापान तक फैला था। इसमें सिल्क रूट ने अहम योगदान दिया था। सिल्क रूट के कारण ही दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ा था। ज़ाओ क्यांग और शिमा क्यांग जैसे चीनी इतिहासकारों ने भारतीयों के लिए सेंडू शब्द का इस्तेमाल किया है, जो शायद सिंधु नदी से मिलता हो। 1st सेंचुरी के बाद कई भारतीय विद्वानों और बौद्ध भिक्षुओं ने चीन की यात्रा की थी, जिसमें शाओलिन मठ के पहले मठाधीश बठुओ और बोधि धर्मा थे। इसी दौरान कई चीनी विद्वानों और भिक्षुओं ने भी भारत की यात्रा की थी, जैसे जुआंगजांग और आईचिंग, ये दोनों ही नालंदा यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके थे। तो दोस्तों, यहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में शुरू हो चुका था। लेकिन जब चीन में पहले से ही दो वैचारिक धर्म थे, तब भी चीनियों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्यों? तो दोस्तों, चीन में बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने का कारण था ताओ धर्म, क्योंकि कुछ बौद्ध प्रथाएं ताओ धर्म से मेल खाती थी। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं ने भारत और चीन की संस्कृति और भाषा की बाधाओं को पार करके ताओ धर्म के विचारों का इस्तेमाल किया। अब जैसे जैसे चीन में बौद्ध धर्म प्रचलित हो रहा था, वैसे वैसे बौद्ध धर्म के विचार ताओवाद और कन्फ्यूशियस के विचारों में मिलते जा रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ से भारतीय संस्कृति ने चाइना को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। आगे चलकर भी भारत और चीन के राजनीतिक संबंध बढ़ते गए, जैसे महान चोला एम्पायर के दौरान चोला के संबंध चीनियों के साथ अच्छे थे। चोला एम्पायर के दौरान चीनी सिक्कों के मौजूद होने के प्रमाण मिले हैं। चोला और चीन के राजनीतिक संबंध आज वर्तमान इंडोनेशिया को लेकर थे, जहाँ चोला एम्पायर का वर्चस्व था। 8वीं शताब्दी में भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा लिखे गए किताबों का अनुवाद चीनी भाषा में किया गया था। यह अनुवाद गौतम सिद्ध ने किया था, जो चाइना में पैदा हुए थे।
लेकिन उनका परिवार भारतीय था। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय ज्ञान भी चाइना तक पहुंचा था। दोस्तों आगे चलकर 1453 तक मिंग डायनेस्टी के दौरान चीन के एडमिरल झांग की कमान में 7 नौसैनिक अभियान शुरू हुए थे, जिन्होंने कई भारतीय तटों का दौरा किया था, जैसे मालाबार तट, बंगाल। इनके अलावा इन्होंने अरब तटों का भी दौरा किया था। यहाँ उन्होंने चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम उपहार में दिए थे, जिसके बदले उन्हें भी उपहार मिले थे। दोस्तों आगे मॉडर्न हिस्ट्री में 19वीं शताब्दी में सिख एम्पायर ने 1841 में तिब्बत के पश्चिमी हिस्सों पर हमला किया था। हालांकि यहाँ सिख सेना हार गई थी, जिसके बाद चीनी सेना लद्दाख में घुसी, लेकिन यहाँ सिख सेना ने चीनियों को हरा दिया और सिखों की जीत हुई। हालांकि इस लड़ाई के बाद दोनों ही पक्षों ने दोबारा कोई लड़ाइयां नहीं लड़ी, क्योंकि एक तरफ सिख अंग्रेजों से परेशान थे तो दूसरी ओर चाइना भी फर्स्ट अफीम वॉर की दहलीज पर था। इसलिए 1842 में ही दोनों ही पक्षों ने शांति संधि कर ली थी। ब्रिटिश इंडिया के दौरान भारतीय सैनिकों ने दोनों ही अफीम वॉर में चीन के खिलाफ भाग लिया था, यहाँ तक कि बॉक्सर रिवोल्ट को खत्म करने में भी भाग लिया था। दोस्तों 1938 से लेकर 1942 तक यूएसए में चीनी राजदूत रह चुके हु सी ने भारत के बौद्ध धर्म की शुरुआत और चीनी समाज पर भारतीय प्रभाव के बारे में टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि एशिया एक है जिसे हिमालय डिवाइड करता है, वो भी दो शक्तिशाली सभ्यताओं को, जहां कन्फ्यूशियस के अपने सोशलिस्ट विचार के साथ चीन है तो वेदों के अपने विचारों के साथ भारत है, जहां दोनों ही संस्कृतियों के ज्ञान के विकास को हिमालय के रूप में बर्फीली हवाएं भी नहीं रोक पाई थी। इनके अलावा आरओसी के संस्थापक सन यात सेन, जो कभी अपने जीवन में भारत नहीं आए थे, उन्होंने भी भारत को एक एशियाई साथी देश के रूप में देखा है, जो वेस्टर्न पावर के अत्याचारों में फंसा हुआ देश है। आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू ने भी 1939 में चीन का दौरा किया था, जहां वो चियांग काई शेख और उनकी पत्नी से मिले थे। चियांग काई शेख ने भी 1942 में ब्रिटिश इंडिया का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने महात्मा गांधी, नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना से भी मुलाकात की थी। लेकिन 1949 में जैसे ही चाइना में कम्युनिस्ट सरकार आई, वक्त बदल गया, जज्बात सब कुछ बदल गए। हमारे प्रधानमंत्री ने नए चीन से काफी उम्मीदें की थी, लेकिन पहले कम्युनिस्ट चीन ने तिब्बत पर हमला किया और फिर 1962 में भारत पर। तभी से लेकर अब तक भारत और चीन के संबंध इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बाकी दोस्तों बौद्ध धर्म के रूप में भारत ने चीनी संस्कृति को पूरे 2000 सालों तक प्रभावित किया है, जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आज भी चाइना में करीब 25 करोड़ की आबादी बौद्ध धर्म को फॉलो करती है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी दोस्तों आप भी अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या चीन और भारत के संबंध आगे भविष्य में सुधरेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।